दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे प्रूफ देख लो, एक चैनल है जो मात्र 79 वीडियो अपलोड करके एंड यहाँ पे 30.5 लाख सब्सक्राइबर गेन कर चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एंड ये अर्निंग कितना कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हो इस्टीमेट मंथली अर्निंग यहाँ पे 20.9 के डॉलर से 333.7 के डॉलर अर्निंग कर रहा है इस्टीमेट मंथली अर्निंग। एंड मैं अब इसका इस्टीमेट ईयरली अर्निंग बता दूँ तो 250.3 के डॉलर से 4 मिलियन डॉलर अर्निंग कर रहा है। तो अगर आप भी इतना ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं एंड इतना कम वीडियो में इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो दोस्तों जितना मैं सब्सक्राइबर और अर्निंग बताया हूँ उतना आप भी गेन करना चाहते हो तो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कंटेंट बताने वाला हूँ। इसी कंटेंट पे काम करके ये बंदा इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर एंड इतना ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सिलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को एक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, इसी स्क्रीन में मैं आज आप लोगों को अभी लाइव प्रूफ सब कुछ करके बताने वाला हूँ। आप लोगों को ये मैं बताऊंगा कि कहाँ से वीडियो लेना है, क्योंकि एक ये कॉपी पेस्ट चैनल आइडिया है, तो कॉपी पेस्ट में होता है कि वीडियो लेकर एंड उसे एडिटिंग करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना होता है। तो आप लोग कैसे कर सकते हो इस प्रकार से, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बस आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बस यही काम को करना है आप लोग। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा प्रूफ के साथ यूट्यूब पे जाकर चैनल बता देता हूँ एंड पूरा प्रूफ के साथ लाइव प्रूफ अर्निंग खोल कर बताता हूँ। ये तो डायरेक्ट था, मतलब कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये स्क्रीनशॉट कहाँ का लगा दिया है, ये एडिट है, ये ऐसे वैसे है, वैसा बात नहीं है, मैं आप लोगों को अभी करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चैनल बताने के लिए यूट्यूब में चलता हूँ एंड यूट्यूब में आने के बाद आप लोग देख सकते हो मैं यूट्यूब में आ गया हूँ एंड सर्च वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे एक चैनल का नाम सर्च कर देता हूँ। तो सर्च करने के बाद आप लोग देख सकते हो ये चैनल आ चुका है, जो मैं आप लोगों को पहले बताया था कि 79 वीडियो में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 79 वीडियो में 30.5 लाख सब्सक्राइबर, मतलब 3 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पे गेन कर चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अब मैं इसका चैनल बता दूँ, आप लोग देख सकते हो ये चैनल है लाइव प्रूफ, अभी देखो लोगो बैनर सब कुछ देख लो। इसका अर्निंग भी मैं अभी लाइव प्रूफ ही बताने वाला हूँ। तो अब मैं इसका बता दूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वेरिफिकेशन है, मतलब कि यूट्यूब से वेरीफाई है, अर्निंग करता है, मोनेटाइज है एंड यूट्यूब से वेरीफाई है। वेरिफिकेशन टिक किसको मिलता है, जो यूट्यूब से वेरीफाई होता है, जिसके चैनल पर कोई भी स्ट्राइक क्लेम, कोई भी मतलब कि बिल्कुल फ्रेश चैनल होता है, उसी को मिलता है ये वाला वेरिफिकेशन टिक। तो समझ जाइए कि आप लोगों का चैनल बिल्कुल फ्री होने वाला है, बिल्कुल फ्रेश होने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड अभी मैं आप लोगों को इसका वीडियो में जाकर बता देता हूँ। तो वीडियो में आप लोग देख सकते हो ये एक लॉन्ग वीडियो क्रिएटर नहीं है, ये एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटर है। लॉन्ग में आप लोग देख सकते हो 2 वीडियो अपलोड किया गया है एंड शॉर्ट की बात कर लूँ तो आप लोग देख सकते हो बहुत सारा वीडियो यहाँ पे अपलोड किया गया है शॉर्ट में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा वीडियो अपलोड किया गया है। अब मैं इसका मोस्ट पॉपुलर की बात कर लूँ, व्यूज की बात कर लूँ, तो आप लोग देख सकते हो 10 करोड़ व्यूज है, 8 करोड़ व्यूज है, 6.4 करोड़ व्यूज है, 3.8 करोड़, 2.7 करोड़, 2.5 करोड़, मतलब करोड़ों में व्यूज है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो करोड़ों में व्यूज है, यहाँ तक मिलियन में, लाखों में, करोड़ों में, मतलब समझ सकते हो कितना ज़्यादा व्यूज है। एंड अभी लेटेस्ट में रियल टाइम बता दूँ कितना ज़्यादा व्यूज आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो 6.9 लाख, 4.7 लाख, 76 लाख, 37 लाख, 2 करोड़, 54 लाख, 24 लाख, 23 लाख, मतलब लाखों में, अभी मिलियन में, करोड़ों में व्यूज जा रहा है रियल टाइम व्यूज। तो इतना ज़्यादा व्यूज आप भी अपने चैनल पर लाना चाहते हो तो इस प्रकार का कॉन्टेंट बनाना स्टार्ट कर दो। इस प्रकार का कॉन्टेंट में आप लोग यहाँ पर थंबनेल से ही देख सकते हो, मतलब इस जो वीडियो का छोटा सा पार्ट यहाँ पे है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ नहीं है, बस आप लोगों को यहाँ पे एक वीडियो है उसके ऊपर वॉइस ओवर है। तो ऐसा मैं करके बताने वाला हूँ। अभी एडिटिंग में थोड़ा सा बहुत मतलब यहाँ पे चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि वीडियो लेकर वॉइस ओवर करके अपलोड कर दो तो वैसा प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ चेंज करूँगा जो मैं आप लोगों को अभी एडिटिंग के समय बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए एंड मैं अब इसका अर्निंग बता देता हूँ। तो अर्निंग को बताने के लिए मैं इसका URL को सिंपल कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये चैनल कहाँ का है, इंडिया का है, आप लोग यहाँ पे अभी देखो इंडिया का चैनल है। आप लोग भी अगर इंडिया से हो तो इस प्रकार का चैनल पर काम करना स्टार्ट कर दो यार। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा व्यूज है, आप लोग गिनते फिरो कितना ज़्यादा व्यूज है, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो
पूरा चैनल पे कितना ज़्यादा व्यूज है, आप लोग यहाँ पे गिन लेना। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका अर्निंग। तो इसका अर्निंग बताने के लिए एक वेबसाइट में जाना होगा। एक वेबसाइट में जाने के लिए तो मैं चलता हूँ यहाँ पे वेबसाइट में, एंड यहाँ पे सोशल ब्लेड नाम का वेबसाइट है, ये इसका एस्टिमेट अर्निंग बताता है, मतलब कितना चैनल ये जो है अर्निंग कर रहा है, मंथली में कितना अर्निंग कर रहा है एंड ईयरली में कितना अर्निंग कर रहा है। तो मैं इसका URL को सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं आप लोगों के सामने URL को कॉपी किया हूँ एंड सामने यहाँ पे पेस्ट किया हूँ। आप लोग यहाँ पे सब कुछ देखो, कोई भी एडिटेड नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं इसका यहाँ पे अर्निंग ओपन कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो $20.9 से $333.7 एस्टिमेट मंथली अर्निंग कर रहा है, आप लोग यहाँ पे देखो। एंड अब मैं एस्टिमेट ईयरली अर्निंग की बात कर लूँ तो एस्टिमेट ईयरली अर्निंग है $250.3 से $4 million, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा, $2.5 लाख समझ सकते हो मंथली में ईयरली में अर्निंग करना। ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, एंड अगर इसे इंडियन रुपये में कैलकुलेट करोगे, मतलब हम लोग के रुपया में कैलकुलेट करोगे तो और ज़्यादा होगा, जितना आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे देख लो, एंड मैं अब इसका मतलब कि बता दिया हूँ कि कैसे यहाँ पे आप लोग मतलब कि कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ पे इसका जो चैनल वगैरह है वो चेक कर लो, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होते रहता है कि कोई एडिटेड तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यही चैनल था, यही लोगो था, इतना ही वीडियो अपलोड था यहीं पे, मतलब कि जो कुछ था सब कुछ यहीं पे है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, मतलब जाना एंड URL को कॉपी करना एंड यहाँ पे पेस्ट करना, आप लोगों के सामने ये सब आ जाएगा, तो आप लोग भी कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को सारा कुछ प्रूफ बता दिया हूँ, मतलब अर्निंग बता दिया हूँ एंड जो था मतलब कि ये सब्सक्राइबर एंड व्यूअर सब कुछ बता दिया हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ऐसा कंटेंट बनाना कैसे है। तो ऐसा कंटेंट बनाने के लिए आप लोगों को वीडियो लेना होगा। तो वीडियो कहाँ से लेना है, यूट्यूब से। मैं अभी आप लोगों को लेकर के जस्ट बताऊँगा कैसे, मतलब कहाँ से वीडियो लेना है, कैसे सर्च करना, सब कुछ मैं अभी बताऊँगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे यूट्यूब को क्लियर कर देता हूँ एंड मैं चलता हूँ फिर से यूट्यूब में, यूट्यूब से ही लेकर के बताने वाला हूँ। तो मैं यूट्यूब में आ गया हूँ एंड मैं यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। ये वीडियो था फनी वाला, क्योंकि फनी वाला वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोग मतलब अभी फनी वीडियो बना करके वायरल हो रहे हैं, हीट हो रहे हैं, मतलब जो कुछ कहो हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे फनी वीडियो बना करके। तो फनी वीडियो आप लोगों को लेना होगा एंड उसी के ऊपर वॉइस ओवर करना होगा। तो फनी वीडियो मैं सर्च कर देता हूँ, तो सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने बहुत सारा यहाँ पे अनलिमिटेड फनी वीडियो आ जाएगा। यहाँ से वहाँ तक आप लोग जितना चाहो उतना फनी वीडियो ले सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फनी वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग सिंपल ले लीजिएगा, आप लोगों को यहीं से लेना है। आप लोग कोशिश कीजिएगा मतलब शॉर्ट वीडियो नहीं लेने का, लॉन्ग वीडियो लीजिएगा। एंड लॉन्ग वीडियो मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे ये एक फनी वीडियो है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका लेंथ कितना है, 10 मिनट। आप लोग यहाँ से ले लोगे एंड लेने के बाद आप लोगों को शॉर्ट बनाना है, तो शॉर्ट का मतलब लेंथ कितना होता है, 1 मिनट। तो आप लोगों को ऐसा ऐसा 10 मिनट का एक वीडियो लोगे तो मतलब 60 सेकंड का एक मिनट का 10 वीडियो बनेगा। तो आप लोगों को ऐसा ही वीडियो लेना है लंबा वाला। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाता है एंड चैनल भी मैं रिकमेंड कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हो ये पहला चैनल है जिससे आप लोग यहां से मतलब वीडियो ले सकते हो, ये पहला चैनल है। एंड उसके बाद और मैं नीचे चलता हूं तो ये दूसरा चैनल है, आप लोग यहां पे देख सकते हो ये दूसरा चैनल है, आप लोग यहां से ले सकते हो। और मैं तीसरा चैनल बता देता हूं, ये तीसरा चैनल है, आप लोग यहां से ले सकते हो। और चौथा चैनल बता देता हूं, तो ये चौथा चैनल है, आप लोग यहां से ले सकते हो। आप लोगों को अनलिमिटेड चैनल मिल जाता है, आप लोग देशों का विदेशों का कहां से भी मतलब वीडियो ले लेना है, बस फनी वीडियो होना चाहिए, हंसी वाला, मतलब कि देखने से ऑडियंस को हंसी आना चाहिए, इस प्रकार का वीडियो ले ले। एंड वीडियो लेने के बाद अब बारी आती है एडिटिंग करने की, तो मैं एडिटिंग करने वाला हूँ काइन मास्टर से। मैं सिंपल काइन मास्टर में चलता हूँ एंड काइन मास्टर में आने के बाद आप लोगों को क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, एंड ये यूट्यूब शॉर्ट का रेशियो है 9:16 रेशियो, आप लोग यहाँ पे सेकेंड नंबर में देख सकते हो 9:16 रेशियो है, उसे सेलेक्ट करके एंड नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जो आपने लॉन्ग वीडियो डाउनलोड किया है उसे यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे लॉन्ग वीडियो को डाउनलोड किया हूँ, उसे यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा लॉन्ग वीडियो डाउनलोड हो चुका है, मतलब इंटर हो चुका है। एंड इसी वीडियो को आप लोगों को एडिटिंग करना है, सबसे पहले आप लोगों को रेशियो मिलाना होगा, उसके बाद वॉइस ओवर करना होगा, वीडियो को चेंज करना होगा एंड बहुत कुछ बात मतलब कि काम करना है आप लोगों को, जो मैं अभी करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बनाना,
बनाना है तो आप लोगों को वीडियो को कट करके निकालना होगा, क्योंकि ये 8 मिनट का वीडियो है, आप लोगों का वीडियो होने वाला है 1 मिनट का। तो इसको कट करता हूँ, 1 मिनट जहाँ आता है वहाँ कट करके, एंड मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 53 सेकेंड हो चुका है, 59 सेकेंड यहाँ पे जस्ट परफेक्ट आता है। तो यहाँ पे आने के बाद स्केची वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को राइट वाला पार्ट डिलीट करना है, ये राइट का पार्ट है, इसे डिलीट करना है। तो ट्रिम राइट कर देते हैं एंड डिलीट हो चुका है। अब आप लोगों का जो वीडियो बना है वो 59 सेकेंड का है, मतलब 1 मिनट का वीडियो है। तो अब आप लोगों को लेंथ में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, अब आप लोगों को ये रेशियो में छेड़छाड़ करना है। ये रेशियो आप लोग देख सकते हो बहुत छोटा नज़र आ रहा है, तो इसको बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए आप लोगों को पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पर आ जाना है, एंड यहाँ पर बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, एंड इसे बड़ा कर लेता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एंड अब आप लोगों को वॉइस ओवर करना है, वॉइस ओवर करना है मतलब, उससे पहले मैं आप लोगों को और कुछ चेंज बता देता हूँ, जिससे वीडियो में मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, कोई भी कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट स्ट्राइक की प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप लोगों को सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करके मिक्सचर में आ जाना है, साउंड को ऑफ कर देना है, क्योंकि साउंड का कोई काम ही नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों का वॉइस ओवर होने वाला है। तो यहाँ पे साउंड को ऑफ कर दिए। अब आप लोगों को जो आप लोगों को ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है, ये वीडियो आप लोग देख सकते हो, इसको चेंज कर देना है, मतलब कि कलर वगैरह कुछ ब्राइटनेस वगैरह यहाँ पे कुछ एडजस्ट करना है, ताकि आप लोगों का वीडियो मैच नहीं होना चाहिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को दो तरीका से करना है, एक फिल्टर लगाने वाला हूँ एंड एक एडजस्टमेंट से एडजस्ट करने वाला हूँ। दोनों ऑप्शन यहाँ पे काइन मास्टर में रहता है, तो मैं यहाँ पे सिंपल फिल्टर में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे एक फिल्टर लगा लेता हूँ। फिल्टर लगाने से आप लोग देख सकते हो वीडियो किस प्रकार से चेंज हो जाता है, तो आप लोगों का वीडियो चेंज हो जाएगा। अब आप लोगों को इसका ओपेसिटी को कम कर लेना है एंड सिंपल बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आप लोगों को यहाँ एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आने के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रेस्ट सिचुएशन ब्राइटनेस है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एंड यहाँ पे वाइब्रेंस है, टेम्परेचर है, ये सभी को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके सिंपल एडजस्ट कर लेना है, ताकि पहले वाला वीडियो था उससे मैच नहीं होना चाहिए। तो उससे मैच नहीं होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अब आप लोगों का बनकर हो गया तैयार, अब आप लोगों को साउंड भी कम हो गया, मतलब वॉइस ओवर करना है। तो वॉइस ओवर करने के लिए आप लोगों को वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। तो मैं साउंड को कम कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो एक गाड़ी आता है एंड यहाँ पर दो बंदा छुप कर देख रहा है, एंड एक बड़ा वाला पटाखा को जलाता है एंड उसे फेंक देता है। इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो को देख लेना है। एंड अब बारी आती है वॉइस ओवर करने की, तो वॉइस ओवर करने के लिए आप लोगों को काइन मास्टर में ही सेटिंग दिया है, यहीं पे फीचर दिया है, तो आप लोग को यहाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं ओके कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी वॉइस ओवर करके बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक कार से बंदा जा रहा था, यहाँ से दो बंदे छुप कर देख रहे हैं, एंड यहाँ से एक बड़ा वाला बड़ाका मतलब कि उड़ा कर उसके गाड़ी के ऊपर फेंक देते हैं, एंड इन गाड़ी का ब्लास्ट हो जाता है। इसके गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद आप लोग देख सकते हो किस प्रकार का हो गया है, एंड यहाँ पे ये लोग तड़पने लगते हैं, एंड यहाँ से गाड़ी से एक चक्का उतर कर एंड इन लोगों के पीछे पीछे चलने लगता है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चक्का इस मटके वाले के साथ टकरा जाता है। फिर ये मटका वाला क्या करना है, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इस मटके वाले ने इस चक्के को उठा लिया है, एंड उठाने के बाद ये आगे बढ़ा दिया है। बढ़ाने के बाद ये मतलब कि देख सकते हो किस प्रकार से ये लोग पेड़ के ऊपर झूल रहे हैं, एंड ये लोग पेड़ के ऊपर बैठ गए हैं। बैठने के बाद ये चक्का भी इन लोगों के पीछे आ जाता है एंड इन लोगों को गिरा देता है। गिराने के बाद आप लोग देख सकते हो मतलब कि ये लोग बुरे किए थे, तो बुरे का फल इन लोगों को मिल गया है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को वॉइस ओवर कर लेना है। तो एक बार में चाहो तो एक बार में कर सकते हो, दो बार में चाहो तो दो बार में कर सकते हो, जितना क्लिप आप लोग वॉइस ओवर के करना चाहो कर सकते हो। तो अब आप लोगों का सब कुछ हो गया है। अब आप लोग पूछ रहे होगे कि मेरे पास माइक नहीं है तो वॉइस ओवर तो क्लियर नहीं आएगा, तो कैसे उसे क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करके एंड मिक्सचर में आना है, एंड साउंड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि मतलब कि साउंड अगर पूरा बढ़ा लोगे तो ये आवाज़ मोटा हो जाएगा, मतलब कि घर घर आने लगेगा, जिसे बोल सकते हैं मतलब कि आवाज़ सही नहीं रहेगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ाना, एंड कम भी रखोगे तो कम होगा तो आवाज़ ही नहीं आएगा, तो आप लोगों को बीच में रख लेना है, एंड सिंपल बैक आ जाना है। तो अब आप लोगों का आवाज़ एडिट हो गया। आप लोग चाहते हो कि मेरा कोई आवाज़ भी नहीं पहचाने, तो इसके ऊपर क्लिक करके नीचे आना है, एंड नीचे आने के बाद आप लोगों को वॉइस चेंजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो उसके ऊपर क्लिक करके एंड यहाँ से आप लोगों को बहुत सारा मतलब यहाँ पे मिल जाता है कि आप लोग किस रूप में अपना वॉइस को चेंज करना चाहते हो, तो आप लोग चेंज कर लेना। चेंज करने के बाद सिंपल बैक आ जाना। आप लोगों का अब आप लोगों का वीडियो बनकर हो गया तैयार। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नर में शेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को बढ़िया एक रेजोल्यूशन देख लेना है एंड यहाँ पे सेव एज वीडियो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा एंड अब इसी वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कैसे आप लोग भी YouTube के ऊपर इस प्रकार का वीडियो बनाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हो एंड लाखों में मिलियनों में करोड़ों में व्यूज छाप सकते हो एंड लाखों में मिलियनों में करोड़ों में डॉलर मतलब अर्निंग कर सकते हो। तो आप लोग भी इस प्रकार से YouTube के ऊपर कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए एंड इस प्रकार के कॉन्टेंट पर अवश्य काम करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे मतलब वीडियो बनाया जाता है, तो आप लोग भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सिलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय टेक जय टेक्निकल।